स्कूल के बारे में बताइए, लोग ये भी जानना चाहते हैं। मैं स्कूल नहीं रहा था कि स्कूल में भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक दिया जाता है। तो इसलिए आप भी भौतिक स्कूल मत जाइए। दोस्तों आजकल ऐसे झटकुलिये मार्केट में खूब उतारे जा रहे हैं, जिधर देखो उधर ऐसे झटकुलिये ज्ञान देने चले आ रहे हैं। दोस्तों ये कह क्या रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाता, सही बात है, क्या करने जाओगे, क्या करने जाओगे, वहाँ डकैती और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लूटपाट तो नहीं सिखाया जाता है ना, क्या करने जाओगे। अगर कोई दान नहीं देना चाहता तो उससे जबरदस्ती दान दिलवाओ, चाहे झूठ बोलना पड़े। और ये झटकुलिया आगे क्या कह रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाता, आप भी स्कूल मत जाओ, आप भी भौतिक स्कूल मत जाइए। यानी ये अपने उम्र के बच्चों को ये संदेश दे रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाता, इसलिए आप भी स्कूल अपने बच्चों को मत भेजो, क्योंकि वहां पे भौतिक ज्ञान दिया जाता है, भागवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर आप भी ऐसे झटकुलियों के चक्कर में पड़े हो और आप भी अपने बच्चों को सोच रहे हो कि हाँ यार सच में स्कूल नहीं भेजना चाहिए, तो मेरी बात सुन लेना। चलो यदि मान लो आप अपने बच्चों को स्कूल न भेजकर, यानी भौतिक ज्ञान न देकर, आप अपने बच्चों को भागवत गीता पढ़ा रहे हो, तमाम धर्मशास्त्र पढ़ा रहे हो, यदि मान लो आप SC ST OBC से हो, यानी चमार, पासी, धोबी, नाई, खट्टी, यादव, कुर्मी, पटेल, इन जातियों से ताल्लुक रखते हो, और आप अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा दे रहे हो, भागवत गीता पढ़ा रहे हो, धर्म पुराण पढ़ा रहे हो, तो अब इन धर्मशास्त्रों का ज्ञान लेने के बाद आपके बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है, नहीं क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या आपके बच्चे कर्म कांड कराने वाले पंडा पुजारी बन सकते हैं, किसी मठ का मठाधीश बन सकते हैं, कथावाचक बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बन सकते। लेकिन ऐसे झटकुलिये बाबा यदि उड़ता हुआ भी धर्मशास्त्रों का ज्ञान ले ले तो वो व्यासपीठ पर बैठकर कथावाचक बन जाएंगे, जहां पर नाम, फेम, पैसा, इज्जत सब कुछ खूब कमाएंगे। लेकिन आपके बच्चों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, सिर्फ मंदिर के सीढ़ियों पर भीख मिल सकती है। उनको किसी प्रकार का ना तो पैसा मिलने वाला है, ना तो नाम मिलने वाला है, और ना ही इज्जत मिलने वाली है, क्योंकि आपके बच्चों के नाम के पीछे वो सरनेम नहीं लगा है जो इन झटकुलिये बाबाओं के नाम के पीछे सरनेम लगा हुआ है। दोस्तों नाम का बहुत असर है, खास तौर पर सरनेम का, समझ रहे हो, क्योंकि सरनेम से जाति का पता चलता है। और जाति के नाम पर कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो आज से 5000 साल तक मलाई खाती आ रही हैं। तो आप अपने बच्चों को ऐसे झटकुलिये बाबाओं के चक्कर में पढ़कर बर्बाद ना करें, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, स्कूली शिक्षा दें, भौतिक ज्ञान दें, क्योंकि आपके बच्चों को भागवत गीता की ज़रूरत नहीं है, भागवत गीता की ज़रूरत ऐसे झटकुलिये बाबाओं को है, आपके बच्चों को भौतिक शिक्षा की ज़रूरत है। दोस्तों इस झटकुलिये बाबा के बात का तो मैंने खंडन कर दिया, लेकिन इसने एक बात ऐसी कही है जो शायद मैं समर्थन करता हूं, और इसकी उस बात ने बहुत सारे उन पाखंडी सनातनियों का कई बातों का खंडन करता है। दोस्तों कुछ समय पहले मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि हमारे जो धर्मशास्त्र है वो विज्ञान पर आधारित है, लेकिन झटकुलिये बाबा ने क्या बताया कि स्कूल मत जाइए क्योंकि वहां पर भौतिक ज्ञान दिया जाता है, भागवत ज्ञान नहीं दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक ज्ञान और भागवत ज्ञान अलग है, अलग है। और आपको पता होगा कि भौतिक ज्ञान ही विज्ञान है, यानी कि जो भागवत ज्ञान है वो विज्ञान पर आधारित नहीं है, तभी तो भौतिक ज्ञान अलग और भागवत ज्ञान अलग है, ठीक है। तो ये चीजें कहना कि हमारे धर्मशास्त्र जो है वो विज्ञान पर आधारित है, बिल्कुल फर्जी है।